दसवीं मुहर्रम मंगलवार को जुलूस न्यू अशोक नगर के कई हिस्सों से निकाला गया। मुहर्रम में शामिल लोगों ने ताजिया निकाला और मातम कर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद भी किया। हालांकि इसके लिए क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। न्यू अशोक नगर थाना के SHO TR मीना ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं न्यू अशोक नगर थाने की पुलिस की टीम से हेड कांस्टेबल आदेश, कांस्टेबल महेश, कांस्टेबल नीरज, कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल परवीन, कांस्टेबल नितिन, कांस्टेबल विष्णु यादव ने मुहर्रम में कोई दुर्घटना न हुई जनता के लिए सुरक्षा मोर्चा संभाले हुए थे। हर साल की तरह इस साल भी अकबरी जामा मस्जिद के सदर रिजवान अहमद ने मुहर्रम की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। मुहर्रम के जलूस में शामिल होने के लिए सुबह से बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और इमाम हुसैन की शहादत के गम में डूब गए। भूखे प्यासे रहकर जुलूस में शामिल लोगों ने आंसुओं का पुरसा पेश किया। सुबह 11 बजे मजलिस के बाद मुहर्रम में शामिल लोग ताजिया लेकर चल पड़े। जुलूस में शामिल लोग अपनी पीठ पर छुरी चलाकर मातम मना रहे थे, जिसके बाद मातम करते हुए जुलूस अकबरी जामा मस्जिद की ओर बढ़ चला। इस बीच लोगों ने मुहर्रम में शामिल हुए लोगों को पानी पिलाने के लिए जगह जगह मीठे पानी का इंतजाम किया हुआ था। हर गली की बैरिकेडिंग कर वहां बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की गई। आप इसमें देख सकते हैं ये जो जुलूस है मुहर्रम का, इसके अंदर पुलिस की तरफ से भी काफी मुस्तैदी देखने को मिल रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि इसमें किसी तरीके से प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती नहीं जा रही है, किसी तरीके से कोई घटना को अंजाम ना दे रहे, इसके लिए न्यू सगर थाने से दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और सारी चीजें जो आप देख रहे हैं शांतिपूर्वक ही बनाई जा रही है और शांतिपूर्वक ही सब कुछ अब तक का माहौल चलता जा रहा है। और जो आप देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है वो किस तरीके से उत्साहित है इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और पीछे जो हमारे जैसे देख रहे हैं आप, वो एक मुहर्रम का ताजिया कहा जाता है, जिसे एक निशानी कही जाती है। वो ये जुलूस जो मुहर्रम का निकाला जाता है, इसकी विशेषता क्या है, किस विषय में निकाला जाता है, ताकि अदर जो समाज है उस चीज को जान सके। और ये आप लगातार कई वर्षों से न्यू अशोक नगर चलाते आ रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? ये जुल्म के खिलाफ एक लड़ाई थी जी, ये तो शराबी कबाबी और वो हक की लड़ाई के लिए गए थे और इसी बेस में जंग हुई थी हक और झूठ पे। ये जो जुलूस निकाला जाता है इसके इसकी इसके पीछे क्या मकसद है या किस वजह से निकाला जाता है, कितने सालों से प्रथा मुसलमान समाजों में चली आ रही है? 1300 साल से किया जा रहा है और ये मेन चीज हक की लड़ाई के लिए किया गया था और इंसानियत को बताने के लिए कि किस तरीके से भूखे प्यासे उन्होंने दीन को बचाया और हक की लड़ाई लड़ी। तो बताया जा रहा है कि जो हमारे नबी साहब थे उनके जो नवासे थे उन्होंने इस जंग को लड़ा ताकि मुस्लिम के लिए और धर्म के लिए आगे प्रचार जा सके और 40,000 दुश्मनों के साथ उन्होंने अपने आप को शहीद किया। क्या ये बात सही है? इनके साथ ही 72 लोग थे और इन्होंने इस्लाम के लिए लड़ाई नहीं की थी, इंसानियत की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, इंसानियत की लड़ाई थी, क्योंकि यजीद जो था वो जाति पे था, इसलिए लड़ाई लड़ी गई थी। तो कुल मिला के इसमें मुस्लिम समाज के अलावा और भी समाज के लोग शरीक होते हैं? हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब शरीक होते हैं और सब मिलजुल के मनाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं खाली मुस्लिम का ही है, हिंदू भी करते हैं। मुहर्रम जो मनाया जा रहा है इसके पीछे असल वजह क्या होती है मुसलमान समुदाय के अंदर जो ये मुहर्रम हर साल मनाया जाता है? ये हमारे जो है हुजूर साहब के नवासे थे, उनका जो है कत्ल हुआ था उसके उसमें मनाए जाते हैं और हम उसकी याद में उसको दुख जाहिर करते हैं। ये न्यू अशोक नगर में जो ये मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है वो तकरीबन कितने वर्षों से निकाला जा रहा है? ये तकरीबन निकाला जा रहा है करीब 15-16 साल से निकाला जा रहा है। इस बार भी जो निकाला गया किसी तरीके से कोई अड़चन या कोई लड़ाई झगड़ा तो किस तरीके से कुछ ऐसा माहौल नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कोई माहौल नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर मुहर्रम मनाते हैं। तो कुल मिला के जो ये जो मुहर्रम का जो जुलूस निकाला जा रहा है ये हिंदू मुस्लिम एक गंगा जमुना की तहजीब को दिखाने की मिसाल है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल इसके लिए कहा जा सकता है, जमुना गंगा की तहजीब है। तो इसके बाद आप इसको कहाँ से इसको जो है इसका समापन कहाँ से करेंगे? समापन हम कब्रिस्तान में जाकर करेंगे। ये कहाँ की कब्रिस्तान होती है और क्या वजह होती है इसे कब्रिस्तान में ले जाने की? इसलिए कि भाई हमारे ये कब्रिस्तान को इतनी जो
बॉडी है, ढांचे है, उसको हम दफन कर दिया जाए जमीन के अंदर, जिससे कि बेअदबी ना हो। आदमी हो सच्चा।